जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कृषि एडवाइस चैनल पर। किसान भाइयों, हम आज मुख्य तिलहनी फसल सरसों की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। भूमि बलुई दोमट या दोमट और जिसमें पानी भराव की समस्या नहीं हो, सबसे उत्तम मानी जाती है। खेत की तैयारी, उर्वरक जो कि उत्तम किस्म के हो और साथ ही जमीनी कीटों को नियंत्रण करने के लिए उसमें उत्तम कीटनाशक का उपयोग करें और समान मात्रा में खेत में बिखरा दें। किसान भाइयों, सरसों की बुआई का समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें बीज दर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगती है, जिसको कि कार्बनडेजिम और मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करें, बीजोपचार करें, अथवा 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम भी ले सकते हैं और इसके साथ में थायोमेथाक्सोम या इमिडाक्लोप्राइड 3 ग्राम या 3 ml प्रति किलोग्राम सीड के दर से मिला लेवे तो बेहतर रहेगा। किसान भाइयों, बुआई के लिए सीड ड्रिल भी आप उपयोग कर सकते हैं या बहुत सारे हमारे किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं और उसके साथ में फिलर मटेरियल यदि मिला ले तो ज्यादा उचित रहेगा, ताकि हमारे खेत में समान मात्रा में बीज जाए और बहुत संख्या बराबर रहे। सरसों की सबसे उत्तम प्रचलित किस्में वर्तमान में पायोनियर 45/46, प्रो एग्रो केसरी गोल्ड, जेके 85/32, एडवांटा 414, पायोनियर 45/35 में से कोई से भी आप आपकी जमीन के हिसाब से, लगाने के समय के हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं और इनका उत्पादन करीबन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ आता है और इनकी उम्र 120 से 125 दिन की होती है। खरपतवार की समस्या आपके खेत में हो तो नियंत्रण के लिए पेंडामेथेलिन 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप उचित मात्रा में पानी लेकर पूरे खेत में स्प्रे करें। किसान भाइयों, कटाई का उत्तम समय 120 से 135 दिन के लगभग आता है। दाने में उचित नमी 40% के आसपास रहे, उसी टाइम में आप यदि कटाई कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसान भाइयों, वातावरण अनुकूल हो तो पौध वृद्धि नियंत्रक का उपाय करें, जिससे क्रॉप लॉगिंग या फसल गिरने की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और इस फसल पर समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।